हेलो फ्रेंड्स, अक्सर जब भी हम बच्चों के साथ यात्रा कर रहे होते हैं या फिर किसी टूर पर जा रहे होते हैं तो अमूमन हम बाहर का खाना ही खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रास्ते में पॉल्यूशन, धूल मिट्टी और बाहर के खाने का मिलन जब होता है तो हमारे पेट के अंदर गड़बड़ी का शुरुआत हो जाती है। इसीलिए जब भी आपको बच्चों के साथ ट्रैवल करना हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या चीज़ें खानी है या क्या नहीं खानी है, इन बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपकी दोस्त नमी आज की इस वीडियो द्वारा आपको बताऊंगी कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए। नंबर वन है दलिया या फिर खिचड़ी। यदि आपका सफर कुछ ही घंटों का है तो आप अपने बच्चों के लिए दलिया या फिर खिचड़ी बना सकती है। आप चाहें तो इसके अंदर अपने बच्चों की मनपसंद सब्जियों और फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो उन्हें बोरिंग भी नहीं लगेंगे और सफर के दौरान आपके बच्चों की भूख भी शांत रहेगी। नंबर टू है फ्रूट्स। सफर पर जाते समय फ्रूट्स का सेवन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रूट्स का सेवन करने से ये आपकी भूख को शांत भी करते हैं और हाजमे के लिहाज से भी काफी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जब भी यात्रा पर जा रहे हो तो फ्रिज में रखे हुए फ्रूट्स को लेने की बजाय ताजे फलों को खरीदना प्रेफर करें। ताजे फलों को अच्छी तरीके से धोकर ही अपने साथ प्रिजर्व करें और उन्हें सफर पर लेकर जाएं। नंबर थ्री है सब्जियां। आप फलों के साथ साथ सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं। सब्जियों को अच्छे तरीके से धोकर काटकर एक अच्छे से फ्रीजर के एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लीजिए और जब भी आप डेस्टिनेशन या फिर मंजिल तक पहुंचे तो आप इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ऐसा करने से आपको भरपूर पोषण मिलेगा, शरीर में यात्रा की वजह से जो थकावट है वो भी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ पाचन क्रिया भी स्वस्थ बनेगी। टिप नंबर फोर है डेयरी या फिर अंडे। यदि आपके पास एक छोटे से फ्रिज की व्यवस्था है तो आप दही आदि या फिर अंडों की व्यवस्था करके भी अपने साथ ले जा सकते हैं। सफर के दौरान अंडों को पैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास इन्हें लाने और ले जाने की व्यवस्था है तो आप डेयरी उत्पाद और अंडों को भी अपने साथ रख सकते हैं। इन दोनों के अंदर ही भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो यात्रा से होने वाली थकावट को दूर करते हैं और हमारी पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको आप ले जा सकते हैं अपने साथ तब जब आप अपने बच्चों को यात्रा पर ले जा रहे हो। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।